अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं शेज़वान चटनी। तो दिखने में कितनी मज़ेदार लग रही है, टेस्ट में भी उतनी ही मज़ेदार है। तो चलिए शुरू करते हैं शेज़वान चटनी बनाने। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है कश्मीरी रेड मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च है जो 100 ग्राम है। आपके मार्केट में जो अवेलेबल हो आप उससे भी शेज़वान चटनी बना सकते हैं, इससे शेज़वान चटनी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसे डीसीड करेंगे, मतलब कि इसके जो बीज है वो निकाल देंगे। तो सबसे पहले ऊपर से डेट कट कर लेंगे एक कैंची की मदद से, फिर हम इसे सेंटर से कट करेंगे और ओपन कर देंगे सेंटर से, और हल्के हल्के हाथ से इसे झटकेंगे तो इसके बीज जो है वो निकल जाएंगे। इसी तरीके से सारी मिर्चियों के बीज हम निकाल देंगे। बहुत आसानी से बीज निकल जाते हैं ऐसे। तो देखिए बीज निकाल दिया है मैंने मिर्चियों के। अब हम इसे कुक करने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक गिलास पानी का इस्तेमाल किया है, उसे हम लो फ्लेम पर कुक करेंगे 20 मिनट के लिए। 20 से 25 मिनट तक आप इसे कुक करेंगे। तो इसे हल्के, अभी पानी गर्म हो गया अच्छा, तो अब हम इसे हल्के हल्के हाथ से दबाएँगे और अब हम इसे ढक कर रख देंगे जब तक ये अच्छे सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए 20 मिनट के बाद मिर्चियाँ कुक हो गई अच्छी, और इसका जो पानी है वो हमें फेंकना नहीं है। अब इसे चेक करेंगे एक फोक की मदद से, ये टूट जा रही है आसानी से, मतलब ये अच्छी सॉफ्ट हो गई है। तो इससे हमारा मिर्ची का पेस्ट है वो अच्छा बनेगा। मिक्सी जार में मिक्स डाल देंगे हम मिर्चियों को और इसका पेस्ट बना लेंगे। इस तरीके से पेस्ट बना लेंगे, थिक पेस्ट होना चाहिए इसका। अब हम गैस पे कढ़ाई रख देंगे और इसमें डाल देंगे 9 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल अच्छा गर्म हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। अब हम इसमें डाल देंगे 3 टेबल स्पून बारीक चॉप किया हुआ अदरक, और अदरक लहसुन को अच्छे से कुक करेंगे। इतना कुक करना है कि इसका कलर जो है वो हल्का से चेंज हो जाए। अब इसमें डाल देंगे कोरिएंडर के स्टेम, इसे भी अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है। तो अभी हमारा अदरक लहसुन अच्छा उसका कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पेस्ट जो हमने पीसा था, इसे भी अच्छे से चला लेंगे हम। तो यहाँ पर जो मिर्ची का पानी बच गया था उसे जार में डाल के एक बार घुमा लेंगे, और इतना पानी इसमें इस्तेमाल करना है जो 3 टेबल स्पून होगा। हमें चटनी में ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, इसे कंटिन्यूसली हमें पकाना है, 20 मिनट तक स्टर करते रहना है। ऑयल जो है वो चटनी में से सेपरेट हो जाना चाहिए। तो देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे सॉस। तो यहाँ पर 1 टीस्पून सोया सॉस का इस्तेमाल किया है, और 2 टेबल स्पून रेड चिली सॉस, 2 टेबल स्पून विनेगर, 4 टेबल स्पून टमाटो केचप। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे चटनी में। इसमें डाल देंगे हम 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, और 3 टीस्पून इसमें डाल देंगे शुगर। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें इसका कलर जो है अच्छा डार्क हो जाना चाहिए, और ऑयल जो है वो ऊपर सेपरेट हो जाना चाहिए। तो देखिए कलर भी अच्छा डार्क हो गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हमारी शेज़वान चटनी बनके तैयार हो गई है। मज़ेदार शेज़वान चटनी बनके तैयार हो गई है। शेज़वान चटनी हमें बहुत सारी रेसिपीज़ में काम आती है, जैसे कि शेज़वान नूडल्स बनाते हैं हम, शेज़वान राइस, फिर इसे पराठे के साथ भी खा सकते हैं आप, चाइनीज़ रेसिपीज़ में भी इसका इस्तेमाल होता है। और इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा पड़ता है क्योंकि हम इसे स्टोर करके रखते हैं फ्रिज में, तो ऑयल की वजह से जो है चटनी ख़राब नहीं होती है।
तो आप 10 से 15 दिन तक इसे आराम से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। एक ग्लास कंटेनर में से निकाल कर रख दें तो ये आसानी से 10 से 15 दिन तक रहती है फ्रिज में। तो हम इसे एक ग्लास कंटेनर में निकाल देंगे। तो इस तरीके से आप शेजवान चटनी ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाती है। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेजवान चटनी ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।